हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्वस्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान 4 किड्स लंच बॉक्स रेसिपीज़ जो राइस से बनकर तैयार होगी। जो आप डेली यूज़ में प्लेन राइस बनाते हैं उसी से ये बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आप ये लंच बॉक्स रेसिपीज़ घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब हम इजी लंच बॉक्स रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और अब इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर देंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम लगभग 1 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर देंगे। जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हम ज़ीरा फ्राई बना रहे हैं इसलिए, और जीरे को बहुत ही अच्छी तरह से चटक जाने देंगे। और जीरा अच्छी तरह से चटक जाने के बाद इसमें 1 पिंच के करीब यहाँ मैंने पीसी हुई दालचीनी ली है, इसे ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेम स्लो कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुक्ड राइस हैं, ये मैंने राइस पहले से पका कर रखे हुए हैं, जैसे हम नॉर्मली प्लेन राइस बनाते वैसे ही बनाया हुआ है। ये मैंने 2 कप राइस लिए हुए हैं और अब मैं इसे इस घी में ऐड कर दूँगी और अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से एक बार हम मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देने के बाद इसमें हम हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट यदि आप बनाते टाइम भी चावल में डालते हो तो आप थोड़ा कम ही डालें। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। इसी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए यूं ही स्लो फ्लेम पर पकने देंगे और अब लगभग 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब लगभग 3 से 4 मिनट चावल हमारे ठंडे हो जाने के बाद इसे हम लंच बॉक्स में पैक करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले राइस हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। तो ये देखिए, ये हमारे जीरा राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं और इसके साथ आप इस तरह से कोई भी फ्रूट्स के स्लाइसेस रख के और हल्का सा इस पर हरा धनिया डालकर आप बच्चों का लंच रेडी कर सकते हैं। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और अब इसमें 1 से 2 टीस्पून के करीब घी ऐड कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। और अब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए पकने देंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब लगभग 3 से 4 मिनट बाद जब आपको लगे कि हमारे वेजिटेबल्स हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, इसके बाद हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, आप फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब फ्रोज़न मटर डालने के बाद इसे फिर से हम लगभग 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। और अब लगभग 2 मिनट बाद इसे हम एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यदि हम आप राइस बनाते समय उसमें नमक ऐड करते हो तो थोड़ा नमक कम ऐड करें। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बारीक पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, इसे अपने टेस्ट के अनुसार या बच्चों के टेस्ट के अनुसार ऐड कर दें। और इसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेन राइस लिए हुए हैं 1 कप, जैसे हम नॉर्मली घर में प्लेन राइस बनाते हैं वही बनाए हुए हैं। और अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये सभी चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस 1/2 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि हमारे राइस वैसे ही बहुत कलरफुल लग रहे हैं, बच्चों को इस तरह की कलरफुल चीज़ें बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं हमारे राइस। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट ठंडा होने देंगे। और अब लगभग 3 से 4 मिनट तक हमारे ये मिक्स वेज राइस ठंडे हो जाने के बाद हम इसे लंच बॉक्स में ऐड करेंगे।
और अब इसके बाद हल्का सा इस पर हरा धनिया और ऐड कर दें। तो ये हमारे मिक्स वेजिटेबल राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। पटेटो राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। और अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे और अब इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ ऐड कर देंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम थोड़ा हल्का सा नरम होने तक इसे पका लेंगे और इसे पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा और इसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें आप। और अब 3 से 4 मिनट बाद हमारे आलू जो हैं वो पक चुके हैं और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसके मसाले को भी लगभग 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल प्लेन राइस लिए हैं जैसे हम हमारे घरों में डेली में बनाते हैं और अब हम इसे ऐड कर देंगे। ये साथ ही हम यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे और अब इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और अब थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें ये पटेटो राइस ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे थोड़ी सी ग्रीन हरी पत्ती से और सजा देंगे और इसके बाद इसे आप कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में दें। तो ये हमारे पटेटो राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। मटर राइस या ग्रीन राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और अब इसमें 1.5 से 2 टीस्पून घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने और अब ये पक जाने के बाद इसमें हम मटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 बाउल फ्रोज़न मटर लिए है, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मटर राइस में या फिर ग्रीन राइस में ग्रीन शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, कोरिएंडर का यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे इसी तरह से। और अब मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है और इसे भी आप अपने बच्चों के टेस्ट के अनुसार ही ऐड करें और 1 मिनट तक इसे फिर से अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये जो हम प्लेन राइस जिस तरह से घर में बनाते हैं उसी तरह से बनाए हुए हैं, ये लगभग 1 कप की क्वांटिटी में है। इसे ऐड करके हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। इसके साथ साथ इसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस का ऐड कर दें। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पीस राइस या फिर ग्रीन राइस बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने देंगे। और अब थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम हमारे ग्रीन राइस या पीस राइस को लंच बॉक्स में पैक करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे बच्चों को, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर हस्बैंड के लंच के लिए। अब इसके साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में। तो ये देखिए ये हमारे मटर राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं।